कोल्हापुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो चरणों के मतदान के बाद बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि दो दौर में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस 2-0 से आगे है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि अब दलितों पिछड़ों के आरक्षण पर कांग्रेस डाका डालने की तैयारी में है। हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र का फुटबॉल हब कहा जाता है। फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाषा में मैं बताऊं तो कल दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गुजरात के वलसाड में फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। प्रियंका गांधी ने मंच से कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे बकवास बातें कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अंकल कहकर भी संबोधित किया। अब आप सोचो, एक दिन अगर अंकल जी ने आपको ऐसी बात कही कि सावधान हो जाओ, क्योंकि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा है कि एक एक्सरे की मशीन लाएंगे और उस एक्सरे की मशीन को आपके घरों में घुसाकर जहां जहां आपने बचत की है किसी डिब्बे में रखी है या फिर आपने वो जो अन्न का डिब्बा होता है उसके नीचे रखा है या फिर आपकी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं या आपने सोना बचा के रखा है वो एक्सरे मशीन उसको निकाल के लेगी और ये राजनीतिक दल जो है उसको चोरी करके किसी और को दे देगा कि ये अंकल जी ने कह दी ऐसी बात और आप वहां बोर होके खड़े हैं सुन रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना कि अंकल जी सठिया गए? यही कहेंगे ना कि अंकल जी को आज क्या हो गया? आज तो इन्होंने बहुत गहरी साजिश निकाल दी है। और शायद आप अंकल जी को कहेंगे, अंकल जी आज क्या बात कर ली आपने? हंसेंगे। अब यही बात इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, यही बात कर रहे हैं ये।